आपने ब्रह्मास्त्र मूवी देखी? या सो मूवी बहुत बहुत ही अच्छी थी और उसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी. फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छा था, सेकंड पार्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली देव और अमृता की स्टोरी के लिए. बिल्कुल पसंद है? हमें तो नहीं पसंद आई. हम बहुत वेट कर रहे थे, मैं खासकर बहुत वेट कर रहा था फिल्म का, लेकिन फिल्म नहीं पसंद आ पाई. एपिक शुरू से आखिर तक. मुझे ये मूवी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारी लगी मुझे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले. एंड ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, तो मुझे लगता है सबके लिए मतलब वो मुंह पे ताला लगा देगी ये मूवी. बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, पूरा विजुअल ट्रीट था, पैसा वसूल था. बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी विजुअली. बहुत उन्होंने अच्छा VFX क्रिएट किया है, बहुत हॉलीवुड लेवल का किया है. इट हैज इनिशिएटेड अ स्टेप इन द हॉलीवुड इंडस्ट्री आई थिंक. मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, डिफरेंट कैरेक्टर हैं सभी के, मतलब सुपर हिट है मूवी. ब्रह्मास्त्र मूवी मुझे अच्छी लगी है, विजुअली तो बहुत ज़्यादा रिच थी, स्टोरी वाइज थोड़ी वीक थी, पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं अच्छा ही कहूँगा. एक गुड वॉच है बहुत टाइम बाद कोई हिंदी फिल्म की. मूवी वॉज गुड, स्टोरी ठीक थी, बट VFX एडिटिंग पिक्चराइजेशन जो सीन्स लिए वो बहुत परफेक्ट है. पूरे मूवी आई वाज लाइक ग्लूड टू द स्क्रीन, इट वाज सो ब्यूटीफुल. द स्टोरी, VFX और जस्टिफाइड VFX है. ब्रह्मास्त्र मुझे अच्छी लगी अभी तक की बॉलीवुड की, अगर साईफाई थ्रिलर नहीं, अगर साईफाई लव स्टोरी की अगर बात करें तो ब्रह्मास्त्र एक नंबर जा रही है अभी तो. बहुत ही पसंद आया, जैसी मूवी होनी चाहिए थी, लाइक कि इंटरटेनिंग मूवीज जैसी होती हैं, पेसी एंड ऑल, और वो फील देने वाली, किसी की एंट्री हुई तो सीटी बजने वाली, तो वो फील तो थी. द कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन एंड द विजन इज वेरी पावरफुल. कैसा लगा रणबीर एंड आलिया? रणबीर आलिया बॉन्ड, लाइक केमिस्ट्री लाइक बहुत अच्छी लग रही थी, एंड फर्स्ट टाइम आए दोनों तो अच्छा था. उनकी जोड़ी कमाल की, सो उनको और मूवी साथ में करना चाहिए, ये मूवी तो हिट है. दिमाग कम, उनका केमिस्ट्री तो है, वो तो रहेगा, वो है स्क्रीन पे अच्छा है, लेकिन वही है उसमें लोग एंजॉय करेंगे थोड़ा. वो केमिस्ट्री उनको पहली बार देखा है ऑन स्क्रीन, दे टू लुक सो क्यूट, बहुत क्यूट लगे मुझे दोनों. रणबीर और आलिया दोनों फेवरेट्स ही हैं, और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, और वो लोग एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर परफॉर्म किया दोनों ने. उनका पेयरिंग भी बहुत क्यूट लगा स्क्रीन पे, आई थिंक दे लुक वेरी गुड टुगेदर. द फर्स्ट पेयरिंग आफ्टर मैरिज वाज टू गुड, इट वाज वर्थ द वॉच. रणबीर आलिया की जो जोड़ी है वो सुपर हिट है ही, और भी बेस्ट दिखी इसमें. काफ़ी अच्छी पेयरिंग है दोनों, ऑन स्क्रीन एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और एक नेचुरल केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो दिख रही है. दोनों प्यारे लग रहे हैं काफ़ी साथ में. एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो अच्छा था. दे आर ग्रेट एक्टर्स. देखो अच्छी स्टोरी मिलेगी ना, एक अच्छा एक्टर उसको फिर और ऊपर लेके जा सकता है. दोनों की केमिस्ट्री मुझे बहुत तगड़ी लगी, क्योंकि सच में कि जो होता है ना कि एक रियल लाइफ कपल होते हैं, मे बी वो कपल हैं भी वो, लेकिन जैसे होते हैं जैसे केमिस्ट्री होनी चाहिए दोनों के बीच में, वो लगी है. जिस तरीके से ट्रेलर देखा था उस तरीके से लाइक वैसी मूवी थी. हाँ हाँ, मैं वहाँ पे भी बोला नो वन कैन बॉयकॉट दिस मूवी. मस्ट वॉच, डेफिनेटली मस्ट वॉच. मैं ये कहूँगी जो भी बोल रहे हैं बॉयकॉट तो ये गलत है. हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कितना, डायरेक्शन भी बहुत कमाल का था, स्क्रीन प्ले भी कमाल का था, सो बहुत अच्छी मूवी. डायरेक्शन की तो बात नहीं करें तो ये अच्छा है, एक्शन का जो डायरेक्शन है वो अच्छा है. अयान मुखर्जी ही ने गलती की है. दी अयान मुखर्जी इज अ ग्रेट डायरेक्टर, नो डाउट. उनका जो डायरेक्शन वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग था. व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन दिस मूवी? द VFX आई थिंक, द विजुअल्स दैट दे हैव यूज्ड, अमेजिंग. हमारे देश में ये VFX एंड ऑल इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसके लिए एक तरह से प्रमोट हो रहा है और होना चाहिए मेरे हिसाब से. फॉरेन की मूवीज मार्वल देखते हैं तो ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं? वो पूरा एक फील आएगा कि एक हॉलीवुड फिल्म है विद इंडियन एक्टर्स. बॉलीवुड बहुत कम देश को रिप्रेजेंट करता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करे एक अच्छे सिनेमा के लिए, तो उसको बायकॉट करना तो वैसे ही बड़ी बात. रणवीर कपूर अग्निशास्त्र, उनको एक अग्नि की शक्ति है, तो किस तरह से वो शक्ति के साथ वो अपने प्यार को बचाते हैं, इट्स वेरी लव टू सी दैट. म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक बहुत अच्छा था, स्पेशली देवा देवा सॉन्ग बहुत 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 अच्छा था. साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक एक नंबर, पूरी मूवी ना साउंड इफेक्ट के ऊपर हिट है. म्यूजिक ठीक है, फिल्म को सपोर्ट करता है, जो भी जैसी भी वीक कहानी है. गाना वाना एक दो अच्छा है, टाइटल सॉन्ग केसरिया तो हिट है ही ऑब्वियसली. द सॉन्ग्स वर वेरी वेरी गुड, सारे सॉन्ग्स अच्छे थे, BGM वाज गुड. म्यूजिक जो भी मूवी के गाने हैं वो तो मूवी आने के पहले ही हम सब गुनगुना रहे हैं, और मूवी में वो गाने जो हैं बहुत
बहुत मजा आया, गानों में भी बहुत ज़्यादा मजा आया. म्यूजिक वाज आल्सो अमेजिंग. या मुझे सारे म्यूजिक अच्छे लगे हैं, और केसरिया तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा था, वो तो मेरा फेवरेट ही सॉन्ग है. केसरिया के अलावा कोई गाना ऐसा नहीं है जो याद रहता है, ठीक है, पर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो काफ़ी अच्छा है. म्यूजिक सही था, सॉन्ग्स तो अच्छे थे ही. केसरिया गाना तो वैसे भी सबको बहुत अच्छा लगा था, देवा गाना भी बहुत अच्छा था. ये सॉन्ग आउट हुआ था केसरिया, सब लोगों ने बहुत पसंद किया था, और इसके हर सीन में जो म्यूजिक है वो वॉज वेरी डैशिंग, वेरी लवली. सो वो म्यूजिक के साथ वो पिक्चर का जो मेमोराइज मोमेंट वो एक याद बन के रहेगा. 5/5. Really sad, but एक ही दे पाएंगे. 4.5 star. मैं 3 to 3.5 के बीच में कुछ भी दूँगा. 3.5 to 4 star. Out of 5, obviously 7 maybe. 4. फोर डेफिनेटली फोर. 5 out of 5. पूरे टेक्नीशियन और जितनी भी स्टाफ है जिन्होंने इतनी मेहनत करी ना, वो सारे स्टार्स उनके लिए.